जो सेकंड पार्ट में आपको खुश आमदीद। अब व्हेन द वायर ए बी इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू द नीडल, अगर हम वायर जिसमें से करंट पास हो रही है अगर हम इसको परपेंडिकुलर रखेंगे कंपास की नीडल के, हाँ, तो एंड द करंट इज़ अलाउड टू पास फ्रॉम थ्रू ए बी, यानी कि ए से बी की तरफ करंट जा रही है, देन द नीडल इज़ नॉट डिफ्लेक्टिंग, नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही क्योंकि जो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वहाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल के पैरेलल है। फर्दर स्टडी शोड दैट द मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस विच आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स एज शोन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कंडक्टर से, कंडक्टर कैरिंग करंट, करंट कंडक्टर कैरिंग करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, फील्ड लाइन ऑफ फोर्स से, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बनता है किन से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, तो वो ऑलवेज दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिन कंसेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर है वो है करंट कैरिंग कंडक्टर, जो वो कंडक्टर उनका सेंटर बनता है जिस कंडक्टर में ये करंट पास हो रही है और उसी कंडक्टर से ये जो है मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं। तो उसके कुछ रिजल्ट्स हैं, द करंट कुछ रिजल्ट्स हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिस कंडक्टर से करंट पास हो रही है वो एक मैग्नेटिक फील्ड, अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ करंट इज कंडक्टर, जितना भी हम करंट इंक्रीज करेंगे इसमें करंट कंडक्टर में, तो स्ट्रांगर इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यानी कि वाइस वर्सा, जितना फील्ड ज़्यादा होगा उतना करंट भी पास कंडक्टर में होगी। द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट राइट एंगल्स टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा राइट एंगल्स किसके साथ होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स विद करंट कैरिंग कंडक्टर एट द सेंटर, एट द सेंटर। तो इसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है, द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ गिवन बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो जो अगर हम फोर्स जो है वो क्यू चार्ज पे लग रहा है तो विद वेलोसिटी वी, तो जो चार्ज मूव हो रही है वो वेलोसिटी वी से बाय अप्लाइंग द फोर्स एफ, तो इसकी जो रिलेशन बनती है वो है एफ, ये फोर्स किसके बराबर है, क्यू इंटू वी इंटू बी, यानी कि क्यू चार्ज वी इंटू वेलोसिटी एंड बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इन स्केलर फॉर्म। अगर हम लेंगे क्यू इज वन एंड वी इज वन एंड थीटा इज 90 डिग्री, तो साइन थीटा जो बनता है यहाँ 90, साइन 90, तो साइन थीटा जो यहाँ बनता है थीटा 90 है, साइन 90 इज इक्वल टू वन, तो इस सूरत में जो ये इक्वेशन बन रही है वो है एफ इज इक्वल टू वन इंटू वन इंटू बी इंटू वन, तो क्योंकि क्यू जो है वो वन है, वी भी वन है और बी जो है वो बी है मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा जो है साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू वन वन, तो इस तरह से एफ जो है वो बी के बराबर होता है। तो यहाँ जो फोर्स इस सूरत में, जब हम चार्ज एक लेंगे और वेलोसिटी भी एक लेंगे, तो यहाँ यूनिट लेंगे, यूनिट चार्ज और यूनिट वेलोसिटी के साथ ये जो एफ है वो किसके बराबर बनते हैं, वो फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। तो बच्चों ऑल दिस इज़ ऑल टुडे, थैंक्स।